अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ्रोज़न पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब आप ये पराठे बना के खाएंगे तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मार्केट वाले फ्रोज़न पराठाज नहीं हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें 1 किलो मैदा चाहिए, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, 3 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। घी आप देख सकते हैं मैंने मेल्टेड फॉर्म में नहीं लिया, ऐसे सॉलिड फॉर्म में ही है और इसी तरह से आपको 5 टेबल स्पून मेजर करके लेना है। तो सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में नमक, चीनी और बेकिंग पाउडर को शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। अब हमें इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है कि घी इस फॉर्म में मिक्स हो जाए कि ये क्रम्बल शक्ल में हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम पाकिस्तानी समोसों के लिए मिक्स करते हैं घी को मैदे के अंदर, इसी तरह से हमें इसको यूं क्रम करना है ताकि घी जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा कितना अच्छा क्रम्बल फॉर्म में आ गया। अब हम इसे नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। इस डो को हमें बिल्कुल नॉर्मल आटे की डो की तरह ही बनाना है, ना तो बहुत सॉफ्ट हो और ना ही बहुत हार्ड हो। आप देख सकते हैं कि मैंने मैदे को गूंद लिया है। अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है, मैंने इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम मैदा गूंदते हैं तो उसमें अक्सर लम्ब्स आ जाते हैं। तो अभी इसको हम ऐसे पानी के साथ मिक्स करके मैंने रख दिया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे दोबारा से एक दफ़ा हाथों से गूंद कर, तो किसी भी बाउल में आप ऑयल लगाएं सबसे पहले और उसमें इसको शिफ्ट कर दें। अब 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर से गूंद लूँगी हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा कर। इस तरह से आपको बस 1 से 2 मिनट गूंद कर इसे किसी भी बाउल में ऑयल लगा कर उसमें रखते हैं। आप ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने एक शीशे के बाउल में ऑयल लगाया है पहले और इसमें जो हमारी डो गूंदी हुई थी वो मैंने इसमें रख दी है। अब हम इसको ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। मतलब ये फूलेगी तो नहीं, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने के लिए देंगे इसको ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद हम इसके पराठे बना के फ्रीज करेंगे। तो इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें इसके पराठे कैसे बनाने हैं। अब 2 घंटे हो गए हैं डो को रेस्ट करते हुए, तो अब हम इसके सबसे पहले पेड़े बनाएंगे। जितना साइज़ का पराठा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसके पेड़े बना लें। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम डो के जो है वो पेड़े बना लिए हैं। 1 किलो मैदे के साथ ऑलमोस्ट 15 के करीब आपके पराठे बन जाएंगे। तो अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल पराठा हम बेलते हैं उसी तरीके से हम इसे बेलेंगे, लेकिन फोल्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, आप देखिएगा। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल अपनी रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम इसे बेलेंगे। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अब हम इसे
इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली पेपर का फैन फोल्ड करते हैं, इस तरह से एक के बाद उठाकर उसके ऊपर। और एंड वाले टर्न को हम नीचे पराठे के नीचे फोल्ड कर देंगे। देखें, एक मैं आपको और बेल कर दिखाती हूँ। घी लगाएंगे, मैदा, और फिर आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, आपको शायद बेहतर पता चल सकेगा। यूं फोल्ड किया, यूं एक बार फिर से, और फिर एक टर्न फिर से। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और फिर एंड वाले को नीचे इस तरह से। इस तरह से हम सारे जो हमारे पेड़े हैं उनको बनाकर हम तकरीबन जैसे जैसे रखते जाएंगे तो फिर फर्स्ट पेड़े की तरफ आएंगे। यानी हमें इनको बनाकर कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इनको रेस्ट करने रखना है, उसके बाद हम इसे दोबारा से बेलना शुरू करेंगे। अब 10 मिनट हो गए हमने पेड़े बना के जो रखे थे, अब इसको हम बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। थिकनेस आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसा पसंद करते हैं, ज़्यादा थिक पसंद करते हैं या थिन पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप बेल लीजिएगा। मैं इसको नॉर्मल ही रखूँगी, ना तो बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत थिन। तो ये देखें, अब पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम एक डिश में निकालेंगे। एक डिश में मैंने एल्युमिनियम फॉइल को लगाया है, अब ये पराठा है मैं इस फॉइल के ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं, इसके साथ क्या है कि जब ये फ्रीज हो जाएंगे ना तो फिर हमें इनको निकालने में आसानी रहेगी, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। अब इसी के ऊपर मैं एक और फॉइल रखूंगी। आप फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक और फॉइल रख के अब मैं दूसरा पराठा इसके ऊपर रखूंगी। इसी तरह से आप तमाम पराठों को बना के फ्रीज कर सकते हैं। बस इनको बना के इस तरह से लेयर टू लेयर रखते जाएं और इनको फ्रीज़र में फ्रीज करें यहाँ तक कि वो हार्ड हो जाएं। जब वो हार्ड हो जाएंगे तो फिर आप इसको किसी भी एक पॉलीथिन बैग में निकाल के डाल सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं। इसको आप कम से कम एक महीने के लिए आराम से फ्रीज कर सकेंगे। तो अब मैं इनको इसी तरह से सारे पराठे बना लूँगी और फिर इनको मैं फ्रीज करूँगी। ये देखें व्यूवर्स, अब मैंने तमाम पराठे बेल लिए हैं। और ये देखिए, एक पराठा फिर एक फॉइल फिर पराठा फॉइल, इस तरह से करके ये मैंने तमाम पराठे बेल कर बिल्कुल रेडी कर लिए। अब ये फ्रीज़र में जाएंगे फ्रीज़ होने के लिए, तो इनको 2 से 3 घंटे लगेंगे और ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। फिर इनको पॉलीथीन बैग में डाल के रख सकते हैं। और जब इनको आपने यूज़ करना होगा तो आप एक पैन को नॉर्मल आँच पर गर्म कीजिए, उसमें एक पराठा डालें। और आपको पराठे को पहले से निकाल के बाहर नहीं रखना है, डायरेक्ट फ्रीज़ किया हुआ पराठा आपको अपने पैन में डालना है। और उसके बाद आप हल्का सा ऑयल लगा कर दोनों तरफ से, जैसे पराठा हम बनाते हैं नॉर्मली, तो आप उस तरह से इसको सेक सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी।
प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हर मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।